हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस वेट करने के लिए। मेरा तबीयत बहुत ख़राब था एंड जब मेरा तबीयत ख़राब होता है मुझे ठीक होने में टाइम लगता है। सो थैंक यू सो मच गाइस वेट करने के लिए। एंड एक खुशखबरी है कि आज हमारा 4K सब्सक्राइबर्स हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लंजा को उसका जो एनिवर्सरी गिफ्ट था वो दिया एंड विंग के आंखों में आंसू आ गया था। तो विंग वहाँ से रोते हुए भाग गया था एंड लंजा को भी बहुत बुरा लगा था। विंग के चले जाने के बाद लंजा ने उस पैकेज को ओपन किया। ओपन करने के बाद लंजा ने देखा कि वहाँ पे एक वाणी थीम का एल्बम है। लंजा को वो वाणी थीम बहुत अच्छा लगा। लंजा ने उस वाणी थीम के ऊपर थोड़ा हाथ फहराया। उस एल्बम के ऊपर एक पोस्टेड नोट था। लंजा ने उस नोट को देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था, लंजा हैप्पी एनिवर्सरी, आई लव यू फ्रॉम विंग, एंड क्या हम प्लीज़ आयुवन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये अनफेमिलियर नेम देख के लंजा को थोड़ा शॉक लगा। क्या वो किसी और को भूल चुका है विंग के अलावा, एंड वो भी एक बच्चे को, एंड क्या वो दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे। बट लंजा कैसे एक फादर बन सकता है, उसका मतलब कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन सकता। उसे पता भी नहीं कि अच्छा फादर होते कैसे हैं। बोल नहीं चाहता कि उसका चाइल्ड उसके जैसा बड़ा हो। लंजा बहुत ही पैनिक हो गया। लेकिन उसने अपने आप से कहा कि विंग उसके हर एक डिसीजन को सपोर्ट करेगा। सो अब उसे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वो बाद में भी सोच सकता है। उसने एल्बम को ओपन किया। वहाँ पर बहुत सारे विंग एंड लंजा के पिक्चर्स थे, जहाँ पर विंग एक पॉनी टेल के साथ लंजा के पास बैठा हुआ था एंड वो अपने हेड को बैक में थ्रो करके ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। एक और पिक्चर्स में विंग लंजा के चीक में किस कर रहा था एंड लंजा बहुत ही ब्लश कर रहा था। एंड एक और पिक्चर में लंजा बहुत ही वाइडली स्माइल कर रहा था एंड विंग उसकी तरफ एक सॉफ्ट स्माइल कर रहा था, एक लविंग स्माइल। लंजा तो अपने पिक्चर को देख के खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इतना वाइडली स्माइल कर रहा है, ये बहुत ही अनकमन है। एंड विंग उसका ये स्माइल लंजा होश में आने के बाद से एक बार भी नहीं देखा। अब नेक्स्ट पिक्चर में लंजा एंड विंग की शादी की पिक्चर्स थी, जहाँ पे लंजा एंड विंग एक रिंग पहने हुए थे। लंजा का फेस तो एज यूजुअल था बट विंग स्माइल कर रहा था। एक और पिक्चर में लंजा एंड विंग दो बनी फ्लॉपी ईयर वाला टोपी पहने हुए थे, एक ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का। एंड नेक्स्ट पिक्चर में विंग के ऊपर आटा गिर गया था एंड लंजा उसकी तरफ एक स्माइल कर रहा था एंड विंग पाउट कर रहा था। एक और पिक्चर में लंजा एंड विंग के बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था एंड लंजा उसे देख के स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट पिक्चर में वो दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे एंड लंजा के कंधों पर विंग सिर रख के सो गया था एंड लंजा अपने हाथों को विंग के हेयर में फहरा रहा था। ये सारे पिक्चर्स देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने आप से कहा, मैं उसे कितना प्यार करता था, हम दोनों सच में कितने खुश थे। अब लंजा लिविंग रूम पर आया। वो बिल्कुल अकेला था घर पे। विंग घर से जा चुका था, वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि विंग कैसे रोते हुए गया था एंड जाने से पहले विंग ने कहा था कि वो उससे प्यार करता है। लंजा ने विंग के साथ बहुत गलत किया था। लंजा को लगा था शायद उनका मैरिज हैप्पी नहीं था, ये बहुत ही गलत सोच था। लंजा सोफे के ऊपर बैठ गया। वो विंग के लिए वेट कर रहा था। उसे विंग से माफ़ी मांगना होगा क्योंकि विंग उसके लिए रोया है। लंजा यही सब सोच रहा था तभी उसे दरवाजे के पास से एक अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दिया। पहले तो लंजा बहुत ही शॉक हो गया, लेकिन उसने ध्यान से सुना एंड वो दरवाजे के पास गया। उसे लगा कि कोई बाहर बैठ के रो रहा है। लंजा ने दरवाजे को ओपन किया। उसने कहा, विंग। विंग का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया था। विंग दरवाजे के बाहर कर्ल्ड होके बैठा हुआ था। रोते रोते उसके आईज रेड हो गया था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहा था। उसने अपने दोनों पैर को जकड़ के रखा था एंड वो कांप रहा था।
लंजा विंग के सामने घुटनों पर बैठ गया और कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, आई एम रियली सॉरी। ये सुन के फिर से विंग रो पड़ा। विंग ने कहा, लंजा प्लीज़। पहले तो लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है, देन लंजा को समझ में आ गया। उसने कहा, नहीं। लंजा ने विंग को टाइटली हक कर लिया। लंजा ने कहा, मुझे अच्छे से बात करना नहीं आता विंग, बट प्लीज़ मैं ट्राई करना चाहता हूँ। विंग अभी भी रो रहा था। लंजा को फील हो रहा था क्योंकि विंग के आंसू की वजह से लंजा का शर्ट भीग रहा था। विंग ने नोट किया। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी कि मैंने हमारे शादी को गलत समझा, मुझे लगा था कि हम हैप्पी नहीं हैं, बहुत ही टेरेबल शादी है हमारा, बट ये सच नहीं है। विंग तुम ऐसे जजमेंट डिजर्व नहीं करते, मैंने सारे पिक्चर्स देखे एंड तुम सही थे, हम बहुत हैप्पी थे एक साथ। मेरा फ्यूचर में तुमसे बहुत प्यार करता था एंड मुझे पता नहीं कि मैं उतना प्यार उसके जैसा कर पाऊँगा या नहीं, बट मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ये बोल के लंजा विंग के सिर में अपने हाथ को फहरा रहा था। विंग अभी भी रो रहा था। लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा को विंग के एक्सप्रेशन से कुछ समझ में नहीं आया। क्या लंजा ने गलत समझा? क्या विंग अब उसे नहीं चाहता? विंग ने लंजा के शर्ट को टाइटली पकड़ा और कहा, लंजा मैं बस यही चाहता था, जस्ट मुझे एक और चांस दो, जस्ट एक चांस प्लीज़। लंजा ने कहा, ओके मैं तुम्हें वो सारे चांसेस दूंगा जो हमें चाहिए। विंग की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहा था। उसने कहा, लंजा। लंजा ने विंग की आंखों से आंसू पोंछा। विंग ने रोते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मुझे हमेशा डर लगता था कि एक दिन शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम मुझे कहते थे कि मैं एक सिली हूँ एंड ये सब बेकार में सोच रहा हूँ, बट मुझे लगता था क्या होगा अगर एक दिन तुम नींद से जागोगे एंड तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या होगा अगर एक दिन तुम्हें सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे लिए गुड इनफ नहीं हूँ एंड तुम बेटर डिज़र्व करते हो, एंड हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, एंड तुम हमेशा कहते थे कि मैं ये सब बेकार में सोच रहा हूँ, मैं सिली हो गया हूँ, बट देखो ये सच हुआ, एक दिन तुम नींद से जागे एंड मुझे भूल गए। लंजा ने अर्जेंटली कहा, विंग। देन लंजा ने विंग की आंखों से आंसू पोंछा और कहा, विंग ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फिर से प्यार कर पाओगे? लंजा ने कहा, मुझे एक चांस दो। ये बोलकर उसने विंग के फेस को अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये बात तो सच है, लंजा को पता है कि उसका हस्बैंड रिडिक्यूलस है, कमज़ी है, बट फिर भी वो बहुत अच्छा इंसान है, काइंड है, अंडरस्टैंडिंग है एंड वो लंजा से प्यार करता है। लंजा को यही तो चाहिए एंड कहीं ना कहीं लंजा को विंग पसंद भी है। तभी विंग ने कहा, ठीक है मैं बस तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही तो कर सकता हूँ। लंजा ने कहा, विंग शायद तुम्हें पता नहीं तुम्हारा केयर करना कितना इजी है। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, आई होप सो। लंजा ने कहा, विंग अभी भी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यू निकल रहा था। तो लंजा ने विंग को फिर से हक कर लिया एंड वो दोनों कुछ टाइम के लिए वैसे ही बैठे थे। लंजा को पता है कि ये अपार्टमेंट के बाहर हो रहा है, सबको ये चीज़ दिखेगा एंड सब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, बट लंजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ विंग मैटर करता है और कुछ नहीं। 2 घंटे बाद लंजा ने विंग के लिए कुछ खाना मंगाया था एंड खुद के लिए भी। उसने विंग के लिए स्पाइसी रोस्टेड चिकन रामेन मंगाया था एंड विथ एक्स्ट्रा स्पाइस। लंजा को पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों मंगाया, बट उसे लगता है कि जैसे ये मंगाना उसके लिए आदत से बन गया था, उसे ये पता है। जब विंग ने उस ऑर्डर को देखा, विंग ने कहा, वाओ लंजा ये मेरा फेवरेट है, थैंक्स। देन कुछ टाइम बाद विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने होपफुल नज़र से लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसा पता कि ये मेरा फेवरेट है? विंग को लगा शायद लंजा को कुछ याद आ रहा है, बट लंजा को बुरा लगा कि उसे कुछ भी याद नहीं। उसने कहा, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि शायद यही होगा। विंग ने नोट किया और कहा, ऑफ कोर्स।
दिन वो दोनों खाना खाने लगे। विंग के आईज अभी भी रेड था क्योंकि वो बहुत टाइम से रो रहा था। वो दोनों साइलेंटली खा रहे थे, बट लंजा को लगा कि उसे बात करना चाहिए। उसे पता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने विंग को कहा, हम आफ्टरनून को क्या करने वाले हैं? विंग ने कहा, सैटरडे आफ्टरनून को हम एक्चुअली आयुवन को देखने के लिए जाते हैं, एंड आई एम श्योर जब भी तुम उसे देखोगे तुम उससे फिर से प्यार कर लोगे। लंजा ने कहा, आयुवन जिसे हम एडॉप्ट करने वाले थे? विंग ने हिजे ने नोट किया और कहा, हाँ तुम फर्स्ट बहुत ही अनश्योर थे, देन तुमने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एंड देन तुम उसके साथ बिल्कुल घुल मिल गए थे, एंड तब मैंने सोचा कि हमें उसे एडॉप्ट करना चाहिए। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मुझे पता नहीं कि एक गुड फादर कैसे होते हैं, मैं नहीं कर सकता, किसी ने मुझे सिखाया नहीं। विंग ने कहा, वेल ये सेम चीज़ तुमने लास्ट टाइम कहा था, बट बिलीव मी तुम बिल्कुल नेचुरल थे एंड बहुत अच्छे फादर हो गए थे उसके लिए। लंजा ने कहा, क्या सच में? विंग ने कहा, हाँ। देन वो दोनों फिर से खाना खाने लगे। लंजा विंग की तरफ देखने लगा जो बिल्कुल अपने खाने पे ध्यान दे रहा था। लंजा ने विंग के स्लिप्स को खींचा और कहा, विंग। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो लंजा। लंजा ने कहा, मैं अभी क्या हूँ, मेरा मतलब मुझे सब कुछ बताओ। विंग ने अपने नूडल्स को फिनिश किया और पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? लंजा ने कहा, मेरा ऑक्यूपेशन, मैं क्या करता था, मैं क्या एक्चुअली मैं हूँ। विंग ने अप्रिशिएटिवली नोट किया और कहा, तुम टीचर थे, आई मीन हो। ये सुन के लंजा बिल्कुल फ्रोज हो गया। क्या टीचर? उसे पता नहीं था कि टीचिंग कैसे करते हैं, वो बिल्कुल भी टीचर बनना नहीं चाहता, दिन वो कैसे टीचर बन गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।